स्थित प्राज का भाषा समाधि अस्त के शिवा स्थित दीना किम प्रभाषेत किम अस्येत व्रजेन्त किम। तो भगवद्गीता के दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में अर्जुन भगवान से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं और वो कहते हैं कि हे प्रभु बताइए आपके भक्त, पहला प्रश्न उनका होता है कि आपके भक्त के लक्षण क्या होते हैं। अभी देखिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा, बड़ी बुद्धिमानी से पूछा है, क्योंकि इस दुनिया में प्रभुपाद जी बोलते हैं इस तात्पर्य में हर व्यक्ति की पहचान लक्षणों से होती है। तो पूछते हैं कृष्ण भक्ति के क्या लक्षण होते हैं। तो दूसरा प्रश्न बोलते हैं हाउ डज ही स्पीक, वो कैसे बोलता है। तीसरा प्रश्न पूछते हैं उसकी भाषा क्या होती है। चौथा पूछते हैं वो कैसे बैठता है। और पांचवा प्रश्न पूछते हैं कि वो चलता कैसे है। तो हम केवल एक विषय पर चर्चा करेंगे आज, धीरे धीरे बाकी वीडियो में एक एक समय चर्चा करेंगे, आज इस पर करेंगे कि कृष्ण भक्त कैसे बोलता है। जैसे कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि किसी स्पीच जो होती है वो व्यक्ति की एक क्वालिटी को बताती है, या ऐसा बताया जाता है कि स्पीच रिफ्लेक्ट्स द कॉन्शियसनेस ऑफ ए पर्सन। जो हमारी भाषा या वाणी होती है, जो हमारी स्पीच होती है, वो हमारी चेतना का प्रदर्शन करती है कि हमारी चेतना क्या है। केवल हम किसी के शब्द सुन के उसकी चेतना, उसके शब्दों को सुनकर या उसकी स्पीच को सुनकर, उसके कथन या वाक्य को सुनकर हम उसकी चेतना को पकड़ सकते हैं कि इस व्यक्ति की चेतना क्या है। तो अर्जुन पूछते हैं कृष्ण भक्त कैसे बोलता है। तो कोई कहेगा ये अर्जुन जी ने कैसा प्रश्न किया भाई, जैसे सारे लोग बोलते हैं वैसे ही वो बोलेगा, वो भी जवान से बोलते हैं दूसरे लोग भी, कृष्ण भक्त भी जवान से बोलता होगा, और कैसे बोलेगा भाई, और तो कहीं से बोलेगा नहीं। हाँ जवान से तो बोलेगा, लेकिन कैसे बोलेगा। देखिए सबसे पहले चीज़ ये कि जो कृष्ण भक्त होता है वो कोई भी बात, कोई भी शब्द उसके जब मुँह से निकलते हैं तो उसके साक्षात्कार के बाहर नहीं होते हैं। जो फिलॉसफी सुनता है कृष्ण भावनामृत की, जो प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अध्ययन करता है, उनको सुनता है, उनको अप्लीकेशन करता है, डाइजेस्ट करता है, वो सब करने के बाद उसको जो साक्षात्कार आते हैं, जो अनुभव होते हैं, जो एक्सपीरियंस होता है, उसके आधार पर कृष्ण भक्त बोलता है। वो दूसरे लोगों की तरह नहीं होता कि अपने मनोधर्म के आधार पर बोले, अपने खुद के पूर्व, जनरली लोग तो ये देखते हैं, लोग अपने पूर्व अनुभव के आधार पर बोलते हैं और उनका अपने अनुभव पर बड़े विश्वास रहता है, या लोग अपने पुराने प्री कंसेप्शन के आधार पर बोलते हैं। अजीब आजकल बड़ा कॉमन है, पीपल आर स्टिल टू मच अटैच विद देयर ओन प्री कंसेप्शन। भगवत कथा भी सुनने अगर आते हैं, क्लास में भी आते हैं, तो अपने प्री कंसेप्शन के साथ सुनने आते हैं, ज़्यादा लाभ नहीं मिलता उसमें। लेकिन कृष्ण भक्त जब भी बोलेगा अपने साक्षात करके बाहर नहीं बोलता, पहली चीज। दूसरी बात, भगवद्गीता के 17वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि कृष्ण भक्त कैसे बोलते हैं। तो बताते हैं अनुदेव करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च स्वाध्यम अभ्यास च एव वन मध्यम तप उच्यते। भगवान बताते हैं कि जो कृष्ण भक्त होता है वो क्या होता है, अनुदेव करम वाक्यम, वो कभी भी किसी को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, ऐसी भाषा शैली का उपयोग नहीं करता है जिससे लोग उत्तेजित हो, उद्विग्न हो, या ऐसी भड़काऊ स्पीच नहीं देता जिससे लोग भड़क जाएं एकदम, ऐसी भाषा वो कभी नहीं बोलता। अनुदेव करम वाक्य, तो वो कभी भी उसकी स्पीच ऐसी हार्श स्पीच लोगों को उद्विग्न करने वाली, उत्तेजित करने वाली नहीं होती। पहली चीज़ तो ये होती है। फिर सत्यम, सत्य बोलता है, सत्य तो बोलता है, ऐसा नहीं कि सत्य नहीं बोलता, पैलेटेबल वे में बोलता है, इस तरीके से बोलता है कि सामने वाला उत्तेजित नहीं हो, और हमेशा ही सच बोलता है, मधुर तरीके से बोलता है। कभी कभी भक्त इतने एडवांस होते हैं, उस सत्य को बड़ी मधुरता से, बड़े इस तरीके से बोलते हैं कि सामने वाला तुरंत समझ जाता है, और डायरेक्ट बात भी नहीं कहेंगे, डायरेक्टली बोलेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा। और भक्त ऐसे ऐसे होते हैं, भक्त के लक्षण ये भी होते हैं, कभी कभी भक्त एक्चुअली भक्त बड़ा थाउटफुल होता है, वो जानता है मुझे कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है या नहीं बोलना है। कई बार बिना बोले बहुत कुछ बोल देता है भक्त। जैसे भगवद्गीता पढ़ते हैं तो कभी आप भक्तों से पूछेंगे भगवद्गीता में भगवान ने कहाँ से बोलना प्रारंभ किया, साधारणतः लोग बोलते हैं दूसरे अध्याय से। उन्हें पहला अध्याय में एक भक्त बता रहे थे, उन्हें पहला अध्याय में सारी गीता बोल दी थी, पहला अध्याय 25वां 26वां श्लोक है, मुझे ठीक से याद नहीं है वो श्लोक, लेकिन माँ भगवान बोलते हैं अर्जुन युद्ध की इच्छा से आए हुए इन भीष्म द्रोण प्रमुखतः, प्रमुख रूप से द्रोण और भीष्म को देखो, क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण ने अर्जुन का अपना जो रथ है वो दोनों सेनाओं के मध्य में इस तरह से खड़ा किया था कि जहाँ खड़ों के अर्जुन सामने से भीम और द्रोण को देख सकता था, और पूरी कौरव सेना उसको देख रही थी। तो भगवान ने इतना बोला अर्जुन इनको देखो, इतना ही बोला है, लेकिन भक्त बता रहे थे कि उसने पूरी गीता माँ बोल दी थी कि ये है आसक्ति है तुम्हारी मुझ तक पहुँचने की। तो भक्त जो होता है वो अनुदेव वाक्य नहीं बोलता है, सत्य बोलता है, लोगों को अच्छे वाक्य बोलता है जो प्रिय लगे, हितकारी हों, और सबसे बड़ी बात भक्त जब भी बोलता है तो दूसरे के हित के लिए बोलता है। देखिए जैसे ही हम लोग जब स्पीच बोलते हैं तो हम पहले अपना हित देखते हैं, तो जैसे हम अपना हित को देखेंगे तो वहीं से सारी प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। भक्त जब भी बोलेगा
वो दूसरे के हित के लिए बोलते हैं, कैसे मैं क्या करूं कि व्यक्ति जहां पर है वहां से प्रगति करे, आध्यात्मिक पथ पे प्रगति करे, कृष्ण भावना मतलब प्रगति करे। और वो जो भी कहता है वो शास्त्र के स्वार्थम अभ्यास में शास्त्र के आधार पर बोलता है, वो जो भी कहता है उसकी वो पुष्टि करके बोलता है। तो भक्त का बड़ा लक्षण ये भी होता है कि जब वो कहेगा तो वो अपने मन से नहीं कहेगा, वो प्रमाण देगा कि देखिए शास्त्र में यहाँ लिखा है, इस जगह पर लिखा है, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। गुरुप्रभा जी एक तात्पर्य में कहते हैं कि भक्त का मतलब ही होता है इससे, स्पेशली ना डिवोटी सर्कल में, कि जब भी कोई बात कहे तो उसको शास्त्र से प्रमाणित करना उसे आवश्यक है, अपने कथन की पुष्टि करना उसे आना चाहिए। तो इस तरह से भक्त जो है समाज में भौतिक वातावरण में इस तरह से वो बोलता है। हरे कृष्ण।